इनकार तेरा। फिर आशा जी गए माइक्रोफोन में, रफी साहब गए माइक्रोफोन में, 1 2 3 4 किया कंडक्टर ने एंड ट्रैक शुरू हुआ और वो लोग गाने शुरू किए। तो शमी कपूर को देख रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा था, मैं खाली शमी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ, शमी कपूर कर रहा है ऐसा कुछ कर रहा है, वाह ब्यूटीफुल, ओह दिस सॉन्ग विल बी, ये वो ऐसा कर रहा है। नासिर साहब बोलेगा वाह बाप का बेटा, ये वो ये सब कुछ कर रहा है। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे वो गाने, मजरू साहब बोले वाह मियाँ वाह क्या बात है क्या कर रहे हो। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। वन टेक ओके, तो ये एक कमाल चीज है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाया, वन टेक ओके होता है लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये ऐसा कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज है। नासिर आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू सेंड, ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे गिर पड़ा था, बाप रे बाप इतनी बड़ी बात बोल दी, और कौन कह रहा है, शमी कपूर कह रहा है, तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो उस टाइप के म्यूजिक उसके बाद काफी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज टाइप की म्यूजिक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूजिक, रॉक टाइप की म्यूजिक, वो